नया चैप्टर शुरू करना है ना आज से। चलिए लिखना शुरू कीजिए फटाफट। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हाँ बेटा, ये चैप्टर आपने सबसे पहले कहाँ पढ़ा था? क्लास 11। तो बहुत अच्छा ही पढ़ा होगा। ये चैप्टर तो आपने ऐसा पढ़ा है कि मेरे को पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं खाली चैप्टर की थ्योरी लिखवा देता हूँ, क्वेश्चन अपने आप कर लेना। चले मजाक की बात है, पढ़ा है लेकिन आपने पढ़ा है ना? स्कूल ही नहीं गए? मैं कितना लकी हूँ आप बताओ कि मैं। अच्छा अच्छा, नाम ही हाथ सुना बेटा, ये तो हदें पार कर दी। चलिए कोई बात नहीं, मजाक की बात अलग है। नाउ बी सीरियस, बोर्ड पे देखो। मैं एक ट्रांजेक्शन बोलूँगा और उसकी एंट्री मैं बोर्ड पे लिखूँगा, ठीक है? आई एम टेलिंग यू कि गुड सोल टू राहुल ऑन क्रेडिट ऑफ रुपीज 10,000। मैंने राहुल को माल बेचा है 10,000 रुपये का उधार में, मुझे एक एंट्री लिखनी है। आप नहीं बोलिए, देखो मुझे आता है कि नहीं आता, ठीक है? तो मैंने एंट्री लिखी है सेल्स अकाउंट डेबिट टू राहुल। मैंने तुमसे पूछा है क्या गलत है किसे? हैं, तुमने पढ़ा हुआ नहीं है, ध्यान रखो। तुम्हें तो बोला था मैंने पढ़ा हुआ। अच्छा पढ़ा हुआ है, अच्छा एंट्री तो पड़ी हुई है। अच्छा मान लो ना कि मैं तुम्हें जो मैं लिख रहा हूँ खाली देखो कि क्या लिख रहे हैं सर। एंट्री मैंने पास की सेल्स अकाउंट डेबिट टू राहुल। अच्छा मैंने गुड्स कैश में परचेज किया, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो मैंने दोनों एंट्री सही लिखी है ना बेटे? नो। अरे तुम कैसे बोल सकते हो कि गलत एंट्री है? करेक्ट, एंट्री मैंने गलत की है। तुम इसे एंट्री को गलत इसलिए बोल पा रहे हो बेटा क्योंकि तुम्हारे को पता है कि ट्रांजेक्शन की सही एंट्री होती क्या है। तुमको ये पता है कि सर ने अगर राहुल को माल उधार में बेचा है तो एंट्री होगी राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल। ये पता है तुम्हें सर ने एंट्री गलत लिखी है, क्योंकि तुम्हें ये ऑलरेडी पता है कि ये एंट्री नहीं होगी। राहुल तो डेटर बनेगा, सेल्स अपने क्या है, इनकम है। तो तुम ये बोल रहे हो कि ये गलत है, हम जो बोल रहे हैं वो सही है। आपको ये पता है कि कैश टू परचेज नहीं होता, परचेज बिजनेस का एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। और पैसा जाता है तो आप कैश को क्या करते हैं? क्रेडिट। आपको पता है तब आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि देयर इज़ अ एरर, देयर इज़ अ एरर। बात समझ में? मान लीजिए आपकी अकाउंटेंसी लाइफ में, आपकी अकाउंटेंसी का आज पहला लेक्चर है, आप 11th क्लास पहली बार पढ़ रहे हैं, जर्नल एंट्री आपको पहली बार लाइफ में पढ़ाई जा रही है। मैं आपको कॉपी में थ्योरी लिखवाता हूँ और ये कहता हूँ कि बेटे जब माल उधार बेचते हैं तो सेल्स तो क्या होता है? डेबिट। और जिस पर्सन को माल बेचते हैं वो क्या होता है? क्रेडिट। तो ऐसे बोले कि ए गलत गलत पढ़ा रहे हो, गलत पढ़ा रहे, ऐसा बोलोगे क्या आप लोग? चुपचाप उसे मानकर आगे बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे? क्योंकि तुम्हारे कुछ अता पता ही नहीं। मेरे कहने का सेंस समझो। टॉपिक का नाम बोलिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ गलतियों को ठीक करना। बट वैन वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द एरर, कैन वी रेक्टिफाई द एरर्स? जब मुझे ये नहीं पता कि एरर है कि नहीं है, अगर नहीं पता तो मैं ये पहचान नहीं पाऊंगा कि इसका रेक्टिफिकेशन होगा या फिर नहीं होगा। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करने से पहले अपने को कॉन्सेप्ट्स आना बहुत जरूरी है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अगर ये पता है तो फिर गलतियां पता है, और गलतियां आइडेंटिफाई हो जाएगी तो उसका रेक्टिफिकेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। एम आई क्लियर बेटा? दूसरी बात, व्हाट इज़ द नीड ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर? हमें अपनी गलतियों को ठीक क्यों करना चाहिए? अकाउंटिंग प्रोसेस होती है, सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को जर्नलाइज किया जाता है क्रोनोलॉजिकल मैनर में, फिर हम लोग एनालिटिकल मैनर में एक लेजर बनाते हैं जिसे हम लोग लेजर पोस्टिंग का नाम देते हैं। टाइम टू टाइम बेसिस पर क्या बनाई जाती है? ट्रायल बैलेंस, ताकि जो आपने अर्थमेटिकल एरर अगर कोई कर रखी होगी उसे आप टाइमली क्या कर सकें? फाइंड आउट कर सकें और उसका प्रॉपर रेक्टिफिकेशन कर सकें। और साल के एंड में सभी ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपर रिकॉर्ड हो जाने के बाद, प्रॉपर चेक करने के बाद में आप लोग क्या करते हैं? फाइनल अकाउंट्स बनाने का काम करते हैं बेटा। सोचिए अगर इस अकाउंटिंग प्रोसेस में
कहीं पर भी कोई भी एरर रह गई जिसका आप पता नहीं कर सके, या फिर आपको समझ में नहीं आया कि एरर थी या फिर एरर नहीं थी, तो जो साल में एंड में हो जाने के बाद में आपने जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, जो P&L अकाउंट बनाया होगा, उसमें प्रॉफिट और लॉस गलत आएगा कि नहीं आएगा, बैलेंस शीट जो बिज़नेस के फाइनेंशियल पोजीशन को शो करने वाला स्टेटमेंट है वो भी गलत इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा. सो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई द एरर. क्या ज़रूरी है बेटा? टू आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई द एरर्स. बात समझ में आए बेटा? नाउ एरर दो तरीके से बोली जा सकती है. एक होती है इंटेंशनल मिस्टेक, एक होती है अनइंटेंशनल मिस्टेक. क्या बोला आपको मैं? इंटेंशनल मिस्टेक, एक होती है अनइंटेंशनल मिस्टेक्स. इंटेंशनल मतलब जानबूझकर कोई गलती की जाए तो उसे बोलते हैं इंटेंशनल. अनजाने में कोई गलती हो जाए उसे कहते हैं अनइंटेंशनल. सही बोला आपको मैं? इंटेंशनल एरर्स को ढूंढना और रेक्टिफाई करना थोड़ा कठिन काम होता है, क्योंकि वो इस तरीके से की जाती है कि पता ना चले कि एरर की गई है या फिर नहीं की गई. लेकिन अनइंटेंशनल मिस्टेक क्या होती है बेटे? जाने और अनजाने में हो जाती है, जिनको ढूंढना आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है. फॉर एग्जांपल, आपके हाथ पे एक पेन होगा, ये पेन, ये तुम दो पेन, पेन ये अपने हाथ से लिख रहा था, कॉपी में कुछ लिख रहा है, लिख रहा है. मैं भी अपने कॉपी में कुछ लिख रहा हूँ, चलते चलते मेरा पेन जो है वो ख़राब हो गया, चलना बंद कर दिया. मैंने इसे पेन बोरो किया, मैंने कहा दोस्त एक बार पेन देना, ये इसने मुझे पेन दे दिया और मैं अपना काम किया, मैंने कैब बंद करी और इससे बात करते 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 मैंने इसे अपनी जेब में डाल लिया. बात करते करते मैंने जेब में डाल लिया और मैं अपना बातचीत करता रहा. ये मुझे क्या बोलेगा? ओए चोर मेरा पेन दे, ऐसे बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा ना. मैं जानबूझकर इसका पेन चोरी कर रहा हूँ क्या? जाने अनजाने मैंने पेन रख, मैं कहूँगा सॉरी यार ये पेन तुम्हारा पेन रख लो रख लो, ऐसे ही बोलूँगा कि नहीं बोलूँगा? ये एरर सबको नॉर्मल दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है कि हाँ यार सर से एरर हो गई थी? ठीक है, ये पेन यहाँ रख, यहाँ रख सामने, वो देख क्या बोल रहा है तुझे, देख तो उधर क्या बोल रहा है. और मैं इसका ये पेन क्या कर लूँ साहब, उठा लूँ तो ये चोरी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? ओके, क्या इसके लिए ये ढूंढना आसान काम है क्या, मेरा पेन कहाँ गया कहाँ नहीं गया? क्योंकि मैंने चोरी, मैंने एरर ऐसी तरीके से की है कि इसको पता ही ना चल सके कि मैंने पेन इसका चुराया या फिर मेरे से गलती से लिया गया है. बेटा मेरी बात समझ में आ गई क्या? एरर जो जाने अनजाने में, मिस्टेक्स जो जाने अनजाने में होती हैं उन्हें हम लोग एरर्स का नाम दे देते हैं. मिस्टेक्स जो जाने अनजाने में हो गई उसे क्या नाम देते हैं? एरर. और जो मिस्टेक डेलिब्रेटली की जाती है, इंटेंशनली की जाती है, उन्हें फ्रॉड का नाम देते हैं. क्या नाम देते हैं? Unintentional mistakes are easy to identify, but frauds are typical to identify. बात समझ में आ गई बेटा? पक्का लिखना शुरू करेंगे फटाफट. Final accounts और financial statements, थोड़ा जल्दी लिखिएगा प्लीज. Final accounts और financial statements are the end result. Final accounts or financial statements are the end results of the accounting process. Of the accounting process. Full stop. मैंने कहा कि फाइनल अकाउंट्स बोल दो चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल दो, ये हमारी साल भर की गई अकाउंटिंग प्रोसेस का आखिरी नतीजा होता है कि नहीं होता है. लिखो कंटिन्यूएशन में, इफ सर्टेन एरर्स, इफ सर्टेन एरर्स एग्जिस्ट, इफ सर्टेन एरर एग्जिस्ट in the accounting process, certain error exist in the accounting process, then prepared financial statements, then prepared financial statements
विल नॉट गिव, विल नॉट गिव ट्रू, विल नॉट गिव ट्रू और फेयर, विल नॉट गिव ट्रू और फेयर फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस. So it becomes, so it becomes very much necessary to identify, and rectify the errors, full stop. Next line में लिखें, there are two types of error. Number one, principal error. Number two, clerical error. CLERICAL, clerical error. दो error के नाम बोले आपको मैं, पहला क्या नाम बोला, दूसरा नाम मैंने बोला क्लेरिकल एरर. बेटा दो तरह की एरर में जब पहला नाम दिया जा रहा है प्रिंसिपल एरर, तो जो एरर प्रिंसिपल एरर नहीं है वो सब किस कैटेगरी में आ जाएंगे, क्लेरिकल एरर्स में. अब पहले ये समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल एरर. जब किसी ट्रांजैक्शन और इवेंट की रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या फंडामेंटल्स को कॉन्ट्रावीन करते हुए हो जाए, मतलब जो फंडामेंटल अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो किए बगैर आप किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दें, तो पहली बात तो एरर होगी. उस एरर को क्या नाम देंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल. लिखो नंबर वन, एरर ऑफ प्रिंसिपल. व्हेन अ ट्रांजैक्शन और एन इवेंट, when a transaction or an event is recorded in contravention, contra, contra, साथ ही में लिखिएगा vention, in contravention of accounting principles. हाँ जी, पढ़ के बताइए क्या लिखा आपने, आराम से पढ़िए. When the transaction or an event is recorded in contravention of accounting principles, then such error will be called principal error. PRINCIPLE लिखिएगा. आपने PAL तो लिख नहीं दिया ना गलती से, प्रिंसिपल तो वो कंसाइनर वाला था, यहाँ पे PLE मतलब सिद्धांत, रूल्स एंड रेगुलेशंस. ठीक है बेटा, प्रिंसिपल्स होते हैं ना कुछ काम करने के, रूल्स एंड रेगुल. अच्छा यहाँ से देख के लिख लिया, ये गलत है भाई, ये ठीक कर लेंगे, ये नहीं है. ठीक, तो प्रिंसिपल आप लोग लिख चुके. अच्छा नाउ, तो मैं अभी आपसे ये बोला कि जब किसी ट्रांजेक्शन्स को या इवेंट को अपन लोग फंडामेंटल रूल्स जो है उन अकाउंटिंग को कॉन्ट्रावीन, यानी अगर उनको क्या नहीं करें, अपन फॉलो नहीं करें, तो जो एरर होगी उसे क्या नाम देंगे अपन लोग, एरर ऑफ प्रिंसिपल. फॉर एग्जांपल, हमने एक मशीन खरीदी, 80,000 उसकी परचेज प्राइस है, उसको इंस्टॉलेशन करवाने और उसकी रिपेयर करवाने भी कुछ कुल मिलाकर 20,000 के खर्चे हो गए.
तो मुझे एंट्री, दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं एंट्री करूँ मशीन अकाउंट डेबिट 1 लाख जो 80,000 में खरीदी 20,000 का खर्चा हुआ, तो मैं एंट्री करूँ मशीन अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक 1 लाख, या फिर मशीन अकाउंट डेबिट 80,000 इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 10,000 रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक। बोले फर्स्ट सही है कि सेकंड सही है? अगर मैं सेकंड एंट्री कर दूं तो एरर होगी कि नहीं होगी? क्योंकि इसमें मैं क्या कर रहा हूं, फंडामेंटल रूल क्या कहता है कि जो भी एक्सपेंसेस किसी भी एसेट को उसकी प्रेजेंट लोकेशन या कंडीशन या यूजफुल कंडीशन में लाने के लिए ज़रूरी होते हैं वो सभी असेट की कॉस्ट का पार्ट बनते हैं बेटा। लेकिन आपने तो उसे क्या मान लिया, एक्सपेंस मान लिया, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया, रेवेन्यू, या रेवेन्यू को क्या मान लिया, एरर जो होगी प्रिंसिपल एरर होगी। कौन सी होगी बेटा? प्रिंसिपल। बात समझ में आई? लिखो इसमें, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हेन अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हेन अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर देन देयर विल बी अ एरर ऑफ प्रिंसिपल, देन देयर विल बी अ एरर ऑफ प्रिंसिपल, देयर विल बी एरर ऑफ प्रिंसिपल, फुल स्टॉप। अच्छा बोर्ड पे देखिए बेटा ध्यान से, मैंने हर साल की तरह हर साल के एंड में अपने एसेट्स के नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए 50-60,000 रुपये का खर्चा करता हूँ। हर साल के एंड में नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए 50,000 के खर्चे करता हूँ। मेरा जो ओरिजिनल अकाउंटेंट, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन रन करता हूँ, फैक्ट्री रन करता हूँ, मेरे जहाँ ऑलरेडी एक अकाउंटेंट था वो बहुत होशियार था, कभी कोई एरर नहीं करता था, लेकिन उसे किसी कारण से मेरे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर कहीं आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ा, तो ऑब्वियस ही बात है मुझे नए अकाउंटेंट को बिठाना पड़ेगा। वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं था या वो लर्निंग स्टेज में था, उसने जो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस थे रिपेयर्स वगैरह के, उसकी एंट्री उसे क्या करनी चाहिए थी बताइए? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक करना चाहिए था। उसने क्या कर दी होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया। पहले तो मुझे ये बताइए, एंट्री आपने बोली कि होना क्या चाहिए था? रिपेयर्स, और उसने क्या कर दिया? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। मुझे एक बात बताओ बेटा, बुक्स में खर्चा आया कितना होगा और असेट बुक्स में डेबिट कितने से हो गई गलती से? 50,000। लेजर में कोई अकाउंट डेबिट कितने से होना चाहिए था और हो भी कितने से गया? क्रेडिट बैंक कितने से होने चाहिए था? 50,000। हो भी कितने से गया? 50,000। अगर मैं ये एंट्री किया होता तो ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट आया होता क्या? और क्योंकि मैंने मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया तो अभी भी डेबिट कितने से हो रहा है? 50,000। और क्रेडिट कितने से हो रहा है? तो चाहे मैं ये वाली एंट्री करता हूँ, चाहे मैं रॉन्ग एंट्री कर दिया, ट्रायल बैलेंस पर इसका कोई इफेक्ट आएगा क्या? तो कैन वी से कि एरर ऑफ प्रिंसिपल जो है वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते, क्योंकि लेजर में जो अकाउंट डेबिट होना चाहिए था वो उतने रुपए से उस अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट ना होकर किसी दूसरे अकाउंट में हो गया, लेकिन ट्रायल बैलेंस में इसलिए इफेक्ट नहीं आया क्योंकि लेजर में डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट का कोई भी डिफरेंस नहीं है। बात समझ में आ गई? लिखो नेक्स्ट लाइन से, सच एरर डज नॉट अफेक्ट, सच एरर डज नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, सच एरर डज नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। लिख लिया बेटे?
द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्योंकि आपने डेबिट में क्या डाला होता, रिपेयर्स, आपने क्या डाल दिया, मशीन, तो भी डेबिट साइड में, मैं यहाँ रिपेयर्स लिखूंगा तो भी डेबिट में 50 आएगा, और रिपेयर की जगह क्या लिखूंगा, मशीन, तो भी डेबिट में क्या आएगा, 50,000। ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है बेटा, जो लेजर में जो अकाउंट ओपन कर रखे हैं उनके समरी बनाकर आपको शो करता है। अगर आपकी लेजर सही है तो ट्रायल बैलेंस भी सही होगी कि नहीं होगी। एम आई क्लियर बेटा? अब एक लाइन छोड़कर लिखिए, क्लैरिकल एरर्स, CLERICAL, क्लैरिकल एरर्स। आपसे पूछा जाए यार व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लैरिकल एरर्स, तो पहला जवाब क्या देंगे, दोज एरर विच आर नॉट प्रिंसिपल एरर, मतलब जहां प्रिंसिपल ही क्या नहीं हुई है, कोई एरर नहीं हुई, वो कौन सी एरर होगी, क्लैरिकल एरर्स। लिखिए बेटा, दोज एरर्स विच आर नॉट प्रिंसिपल एरर, दोज एरर्स विच आर नॉट प्रिंसिपल एरर्स आर कॉल्ड क्लैरिकल एरर्स, आर कॉल्ड क्लैरिकल एरर्स। दीज आर एज फॉलोज, दीज आर एज फॉलोज। नंबर फर्स्ट लिखिए, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन, ओ एम आई डबल एस आई ओ एन, एरर ऑफ ओमिशन। नंबर सेकेंड लिखो, एरर ऑफ कमीशन, सी ओ डबल एम आई डबल एस आई ओ एन, एरर ऑफ कमीशन। और थर्ड लिखिए बेटा, कॉम्पनसेटिंग एरर्स, कॉम्पनसेटिंग एरर्स। तो तीन एरर के नाम आपने लिखे, बोल के बताइए जरा, एरर ऑफ कमीशन या फिर कॉम्पनसेटिंग एरर्स, है ना। एक एरर कौन सी लिख चुके आप ऑलरेडी, प्रिंसिपल एरर। तो चार एरर के नाम हो गए बेटा, पहला कौन सा हो गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब बाकी के तीन कौन सी हो गई, ओमिशन, कमीशन, कॉम्पनसेटिंग। ओमिशन, कमीशन और कॉम्पनसेटिंग जो है वो कौन सी कैटेगरी में आ गई, क्लैरिकल, प्रिंसिपल आ गई प्रिंसिपल एरर में, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमिशन, भूल जाना, लिखो नंबर वन, एरर ऑफ ओमिशन। बेटा एरर ऑफ ओमिशन है ना, दो टाइप की होती है, लिखो नंबर वन, इसमें डैश करके नंबर वन लिख लो चाहो तो, ए या बी पॉइंट डाल के लिख लो, कंप्लीट ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन। अभी सेकंड लिखना मत, बोल देता हूँ पहले, पहली कौन सी हो गई, कंप्लीट ओमिशन, दूसरी होती है पार्शियल ओमिशन, लिखना नहीं अभी, पहले अपन किसके बारे में लिखेंगे, कंप्लीट ओमिशन। ओमिशन मतलब भूल जाना, कंप्लीट मतलब पूरा ही भूल गए, आधा भी नहीं भूले पूरा ही भूल गए। अकाउंटेंसी दो साइड पर डिपेंड करती है, डेबिट और क्रेडिट। किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया, मतलब ना तो उसका इफेक्ट लेजर में डेबिट पर पड़ा और ना ही क्रेडिट पर पड़ा, एम आई राइट बेटा। लेकिन डेबिट पर तो पड़ा, क्रेडिट पे नहीं पड़ा, या क्रेडिट पे तो पड़ा लेकिन डेबिट पे नहीं पड़ा, पार्शियल हो गया कि नहीं हो गया। लिखो पहले कमीशन, कंप्लीट ओमिशन में लिखिए, व्हेन अ ट्रांजैक्शन और एन इवेंट, व्हेन अ ट्रांजैक्शन और एन इवेंट इज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, is not recorded at all, then it will be a error of complete omission, then it will be a error of complete omission. For example, goods sold to Mr. X, for example,
गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स वॉज कंप्लीटली ओमिटेड टू रिकॉर्ड वॉज कंप्लीटली ओमिटेड टू रिकॉर्ड. आपने माल किसको बेचा? तो आपके बुक्स में एक्स नाम का पर्सन डेबिट होना चाहिए था और सेज नाम का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था. एम आई क्लियर? लेकिन ना आपने उसे डेबिट किया और ना ही आपने उसे क्रेडिट, तो ना डेबिट में कोई इफेक्ट आया और ना ही क्रेडिट में कोई इफेक्ट आया. बात समझ में आ गई बेटा? दिमाग लगाइए, क्या इस एरर से ट्रायल बैलेंस के डेबिट या क्रेडिट के एग्रीमेंट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? लिखो, दिस एरर विल नॉट अफेक्ट, दिस एरर विल नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस. ठीक है बेटे, एक लाइन छोड़कर बी नंबर पॉइंट लिखेंगे. कौन सी बताई थी आपको एरर मैंने? पार्शियल ओमिशन, पी ए आर टी आई ए एल, पार्शियल ओमिशन. पार्शियल ओमिशन का मतलब क्या होता है? डेबिट तो आ गया लेकिन उसके अगेंस्ट क्या नहीं आया? क्रेडिट नहीं आया. क्रेडिट तो आ गया लेकिन क्या नहीं आया? डेबिट. लिखो, व्हेन अ ट्रांजैक्शन और एन इवेंट व्हेन अ ट्रांजैक्शन और एन इवेंट इज पार्शियली रिकॉर्डेड is partially recorded, then there will be a partial omission. There will be a partial omission. For example, goods sold to Mr. X was not posted to his account, in ledger. अच्छा, जब आप एक्स को माल बेचे होंगे तो लेजर में कितने अकाउंट पे इफेक्ट आना चाहिए था? फर्स्ट अकाउंट बोलिए, दूसरा, मैंने क्या बोला इधर? आपने एक्स अकाउंट में लेजर में क्या नहीं किया? उसे डेबिट नहीं किया. पोस्ट नहीं किया मतलब उसे डेबिट नहीं किया. तो इसका मतलब सेल्स अकाउंट में मैंने कुछ नहीं बोला, इसका मतलब सेल्स अकाउंट करेक्टली पोस्ट हो गया होगा. पक्का बेटे? मुझे इसे 10,000 रुपये देने हैं, मुझे इसे भी 10,000 रुपये देने हैं और मैं घर से 20,000 रुपये लेकर निकला. ओके बेटे, मैं इसे 10,000 रुपये दे दिया और वापस मुड़कर आ गया. बताइए, कंप्लीट ओमिशन हुआ कि पार्शल ओमिशन? आप क्या बोलेंगे? आपको दो जगह पैसे देने थे, आपने एक ही जगह पैसा दिया, दूसरे को पैसा नहीं दिया. मतलब इसको एरर नहीं हुई ना बेटा? एरर कहाँ हुई? खाली इस वाले अकाउंट में. तो जब एक ही अकाउंट में एरर होगी तो उसे क्या नाम बोलते हैं? पार्शल ओमिशन. एम आई क्लियर? दिमाग लगाइए, पार्शियल ओमिशन ट्रायल बैलेंस को 100% इफेक्ट करेगी कि नहीं करेगी? वेरी गुड. लिखो, सच एरर विल ऑलवेज अफेक्ट, सच एरर विल ऑलवेज अफेक्ट द एग्रीमेंट, द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस. अच्छा, जो मैंने कंप्लीट ओमिशन लिखवाया, क्या मैं उसे टू साइड एरर का नाम दे सकता हूँ? डेबिट भी गलत, क्रेडिट भी गलत. और जो मैंने पार्शियल ओमिशन लिखवाया उसे वन साइड एरर, डेबिट इज रॉन्ग बट क्रेडिट इज करेक्ट, और क्रेडिट इज रॉन्ग बट डेबिट इज करेक्ट. बात समझ में आई बेटा? एक लाइन छोड़कर लिखिए, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन और एक एंट्री बोलिएगा एक ट्रांजेक्शन की. बोलो, गुड सोल्ड टू मोहन
ऑन क्रेडिट। सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सही है बेटा। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, सोहन टू सेल्स। अरे वही तो लिखा है, सोहन टू सेल। कुछ समझ में आ रहा है? आप मुझे बोलना क्या चाह रहे हो? तो विच अकाउंट शुड हैव बीन डेबिटेड, बट इंस्टीड ऑफ डेबिटिंग मोहन अकाउंट रॉन्गफुली, मैंने उसको तो डेबिट किया नहीं, किसको डेबिट कर दिया सोहन। आ गई क्या बात समझ? दूसरा, अच्छा मैंने माल कितना बेचा होगा, 10,000 रुपये का, तो मैंने एंट्री कर दी है सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके बेटे। अच्छा मैंने रेंट का पेमेंट दिया, रेंट पेमेंट करने पर एंट्री होती है 5,000 का पेमेंट दिया है। ओके लेजर में कौन से दो अकाउंट ओपन होंगे, एक रेंट और एक कैश। बाय रेंट, सही लिखा एकदम। रेंट के डेबिट में क्या आएगा, टू। ओके बेटा क्या हुआ? अच्छा ओके, कितना लिखना चाहिए था, 5,000। मैंने कितना लिख दिया? ठीक है, दो जगह एरर दिख रही है क्या आपको? वेन अ करेक्ट अमाउंट, रिपीट दिस लाइन, वेन अ करेक्ट अमाउंट इज पोस्टेड इन टू द रॉन्ग अकाउंट, दिस एरर विल बी कॉल्ड कमीशन एरर। प्रिंसिपली बिल्कुल ठीक है, मुझे एक पर्सनल अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, एक डेटर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, मैंने उसे डेबिट तो किया है लेकिन उस अकाउंट की जगह पर किसी दूसरे पार्टी को डेबिट कर दिया। प्रिंसिपली आई एम करेक्ट, डेटर आना चाहिए था, आया है बुक्स में, बात समझ में आ गई। ओमिशन नहीं है, मैं डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, लेकिन गलत अकाउंट में कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। इधर आ जा, व्हाट आई पेड एक्चुअली, एंट्री बोलिए। लेजर में मुझे किसको डेबिट करना चाहिए, क्रेडिट किसको करना चाहिए? अच्छा कैश को क्रेडिट किया है कि नहीं किया है, सही फिगर से किया है कि नहीं किया? अच्छा रेंट को डेबिट किया है कि नहीं किया है, किस अमाउंट से कर दिया, 500 इंस्टीड ऑफ। आपने यहाँ पे क्या बोला था, वेन अ करेक्ट अमाउंट इज पोस्टेड इन टू द रॉन्ग अकाउंट, इट विल बी अ कमीशन एरर। वेन अ रॉन्ग अमाउंट इज पोस्टेड इन टू द करेक्ट अकाउंट, देन सच एरर विल ऑल्सो बी कॉल्ड अ कमीशन एरर। बात समझ में आई? अमाउंट सही है, अकाउंट गलत है, कमीशन एरर। अकाउंट सही है, अमाउंट गलत है, कमीशन एरर। बात समझ में आई बेटा? लिखो, व्हेन अ राइट अमाउंट, व्हेन अ राइट अमाउंट इज पोस्टेड इन टू, व्हेन अ राइट अमाउंट इज पोस्टेड इन टू द रॉन्ग अकाउंट, इज पोस्टेड इन टू द रॉन्ग अकाउंट, और रॉन्ग अमाउंट इज पोस्टेड इन टू द राइट अकाउंट, इन टू द राइट अकाउंट, then such errors, then such errors will be called errors of commission, then such errors will be called errors of commission। अच्छा आपने error of principle के लिए क्या बोला था कि सर trial balance को errors क्या नहीं करेंगे, effect नहीं करेंगे। आपने कंप्लीट ओमिशन में बोला कि नहीं सर वो एरर्स क्या नहीं करेंगी, ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेंगे। आपने पार्शियल ओमिशन में क्या बोला कि नहीं सर वो डेफिनेटली क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। जरा ये बताओ, एरर ऑफ कमीशन ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगी या नहीं करेगी? हाँ जी, कहाँ कर रही है, यहाँ कर रही है क्या? तो फिर आपका जवाब ये होना चाहिए था, सच एरर मे और मे नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट ऑफ द एरर। बात समझ में? आपने बोला ऐसा हुआ तो नहीं करेगी, ऐसा हुआ तो करेगी, तो डिपेंड करेगा फैक्ट पे कि एरर हुई किस तरह की है। ओके बेटे, लिखो, सच एरर्स मे
सच एरर्स मे और मे नॉट अफेक्ट, सच एरर्स मे और मे नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस. सच एरर्स मे और मे नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस. ओके बेटे, जो मैंने आपको तीन बातें समझाई वो समझ में आ गई एकदम अच्छे से. नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट कौन सी एरर है? कॉम्पनसेटिंग एरर्स. लिखो कॉम्पनसेटिंग एरर्स. पहले एग्जाम्पल देख लो इसका. बिजनेसमैन ने दो एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है. सैलरी का पेमेंट तो दिया है 10,000 रुपए का, रेंट का पेमेंट कितना दिया है 11,000. तो टोटल पेमेंट कितना हुआ? एंट्री बोलिए क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश. ओके बेटा, सैलरी रेंट सही है बेटा? गड़बड़ हो गई? क्या गड़बड़ हो गई मुझसे? आपने उल्टा पुल्टा लिख दिया सर. रेंट शुड हैव बीन डेबिटेड बाय, बट यू डेबिटेड इट. क्या इस एरर का इफेक्ट 9,000 रुपए से डेबिट के टोटल में कम आएगा क्या? डेबिट क्या होना चाहिए था? 1,000. हो कितना गया? क्या ये भी एक एरर है? लेकिन इस एरर का इफेक्ट ये पड़ा कि जो डेबिट के आइटम्स हैं वो 9,000 से बढ़ गए क्या बेटे? पक्का? एक एरर की कमी को दूसरे एरर ने नलीफाई कर दिया कि नहीं कर दिया? आपके लेजर में एक्सपेंसेस डेबिट कितने से हुए हैं, होने भी कितने से चाहिए, लेकिन अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? तो कॉम्पनसेटिंग एरर कोई एरर बोल के नहीं है. एरर तो होगी तो प्रिंसिपली कमीशन ही और ओमिशन ही. ये तो खाली नाम दे दिया गया कि जब दो अलग अलग एरर एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देती है, नलीफाई, तो उसे क्या नाम देते हैं? कॉम्बन. इनका कोई नेचर या कैरेक्टर नहीं होता. कैरेक्टर तो एरर ऑफ प्रिंसिपल का है, कैरेक्टर और नेचर तो ओमिशन और कमीशन का है. ये तो एरर ऑफ कमीशन भी हो रही है कि नहीं हो रही है? बोलिए ना. रॉन्ग अमाउंट इज पोस्टेड इन टू द रॉन्ग अमाउंट इज पोस्टेड इन टू द राइट अकाउंट, कमीशन भी हो गई कि नहीं हो गई? लेकिन क्योंकि इन्होंने एक दूसरे के एरर को क्या कर दिया, नलीफाई, तो इन्हें अपन ने नाम क्या दे दिया? कॉम्पनसेटिंग एरर. लिखो दीज आर द ग्रुप ऑफ एरर्स, दीज आर द ग्रुप ऑफ एरर्स विच compensates, these are the group of errors which compensates the effect of each other, the effect of each other. ठीक है बेटा. अच्छा बताइए, compensating error का नाम दिया जा रहा है, तो बताओ ये error trial balance को affect करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि इन्होंने तो नलीफाई कर दिया ना इफेक्ट को. ठीक है, लिखो व्हेन सच एरर एग्जिस्ट, व्हेन सच एरर्स एग्जिस्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, व्हेन सच एरर्स एग्जिस्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस does not affect beta, does not ki jagah likho is not affect, does ki jagah hatakar likhe is not affected likhiyega. When such errors exist trial balance is not affected. Baat samajh mein aa gayi beta? Bolo fatafat bolo, pakke samajh mein aa gayi? Ek baar quick revision karte hain. एरर्स जब किसी भी ट्रांजेक्शन को जिस मैनर में रिकॉर्ड करना चाहिए, अगर उस मैनर में रिकॉर्ड नहीं किया जाए, चाहे आप भूल जाओ, चाहे आपने गलत वैल्यू डाल दी, या चाहे गलत अकाउंट डाल दिया, या डेबिट के बजाय क्या कर दिया क्रेडिट, या क्रेडिट के बजाय क्या कर दिया डेबिट, तो उन्हें क्या नाम देंगे? एरर्स का. क्या एरर्स का रेक्टिफिकेशन किया जाना जरूरी है बेटा? पक्का?
अगर हम एरर्स का रेक्टिफिकेशन नहीं करेंगे तो जो साल के एंड में अपन ने क्या बनाया होगा ट्रेडिंग और पी एंड एल, उससे हमारा प्रॉफिट और लॉस गलत आएगा कि नहीं आएगा, तो अकाउंटिंग करने का जो पर्पस था वही अचीव नहीं हो पाएगा. इसलिए वी आर रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई द एरर्स एज सून एज पॉसिबल. ओके, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर? टू टाइप्स. नंबर वन, नंबर टू, प्रिंसिपल. मतलब जब किसी फंडामेंटल अकाउंटिंग रूल को फॉलो किए बगैर आप किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देते हैं तो उसे क्या नाम देंगे? एरर ऑफ प्रिंसिपल. ये एरर्स यूजुअली कब होती है? जब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या ट्रीट हो जाता है? रेवेन्यू. या रेवेन्यू क्या ट्रीट हो जाता है? क्या ऐसी एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगी? नो, नहीं करती. दूसरी कौन सी एरर होती है? क्लैरिकल. कितनी कैटेगरी होती है? तीन. पहला एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, कॉम्पनसेटिंग. ओमिशन मतलब भूल जाना, पूरा भूल गए, कंप्लीट ओमिशन, यानी डेबिट भी नहीं किया और क्रेडिट, मतलब किसी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट ना डेबिट का अकाउंट में आया और ना ही क्रेडिट में, क्रेडिट साइड अकाउंट में क्रेडिट साइड में आया. ये ट्रायल बैलेंस को कभी भी इफेक्ट नहीं करते क्योंकि ना डेबिट में है ना ही कुछ क्रेडिट में. ओके बेटा, पार्शियल ओमिशन, डेबिट तो है लेकिन उसके अगेंस्ट क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट तो है लेकिन उसके अगेंस्ट डेबिट नहीं है, कौन सी एरर होगी ये? ये डेफिनेटली क्या करेगी? ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगी. एम आई क्लियर बेटा? नंबर थर्ड कौन सा है? कमीशन. व्हेन अ राइट अमाउंट इज पोस्टेड इनटू द रॉन्ग अकाउंट और रॉन्ग अमाउंट इज पोस्टेड इनटू द करेक्ट अकाउंट, क्या नाम देंगे इसे? रफ कमीशन. इट मे और मे नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस. और कॉम्पनसेटिंग एरर्स मतलब ग्रुप ऑफ एरर्स. जब दो या दो से ज़्यादा एरर्स हों और उन एरर का इफेक्ट एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दे बेटा? नलीफाई कर दे, एलिमिनेट कर दे बुक्स में से, तो दिस विल बी कॉल्ड एरर ऑफ कॉम्पनसेशन या फिर कॉम्पनसेटिंग एरर्स. एम आई क्लियर बेटा? अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, व्हेन विल यू रेक्टिफाई द एरर्स? व्हेन विल यू रेक्टिफाई द एरर्स? मैंने एक बहुत साधारण सा क्वेश्चन पूछा, अकाउंटिंग लैंग्वेज मत बताइए. मैंने पूछा आप एरर्स को रेक्टिफाई कब करेंगे? हाँ जी, बहुत सिंपल सा करेक्ट आंसर. जब भी हमको क्या पता चलेगी? एरर्स पता चलेगी, हम क्या कर देंगे? हम एरर्स को रेक्टिफाई कर देंगे. अब पॉइंट ये आता है, हमें एरर्स पता कैसे चलेगी? क्या एरर चीखेगी और चिल्लाएगी? देखो मैं यहाँ छुपी हूँ, इधर ढूंढो, आ जाओ इधर, रेक्टिफाई कर दो मुझे, ऐसा अकाउंटेंसी की जबान होती है क्या? तो हमें ही तो कोई तरीका फॉलो करना पड़ेगा जिससे हम पता करें कि एरर हो रही है कि नहीं हो रही है. बेटा ट्रायल बैलेंस का नाम सुने ही आप लोग, पहले क्या होती है ट्रांजेक्शन्स की, पहले क्या होती है? जर्नल. एकदम कमर सीधी, जो झूल रहे हैं, जिनके लट्टू बार बार जल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, जल रहे हैं, सीधे बैठ जाइए, एकदम नींद को आने मत दो अपने पास, कमर सीधी, एकदम बूढ़ों की जैसे कैसे बैठते हो, फिर देख सीधा बैठ, नींद नहीं आनी चाहिए. तो मैं आपसे कह रहा था कि भाई ट्रायल बैलेंस जो है वो सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं? जर्नलाइज. फिर उसे क्या बनाते हैं? लेजर. और लेजर के बाद में क्या बनती है? ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस बनाना कंपल्सरी है क्या? अरे मेरी इच्छा है, बनाऊँ चाहे नहीं बनाऊँ, ट्रायल बैलेंस इज नॉट टू मेक कंपल्सरी ना. लेजर से ही तो क्या बनते हैं? फाइनल अकाउंट्स बनते हैं ना भाई. नॉमिनल अकाउंट कहाँ चल जाते हैं? ट्रेडिंग में और पी एंड एल में. रियल और पर्सनल कहाँ चल जाते हैं? बैलेंस शीट में. तो फिर ट्रायल बैलेंस क्यों बना रहा हूँ? नहीं बनाऊंगा ट्रायल बैलेंस. आसान हो जाता है फाइनल अकाउंट्स बनाना. ट्रायल बैलेंस को एक साथ मत बोलिए, पॉज लेके बोलिए, ट्रायल बैलेंस. फिर से बोलिए, ट्रायल बैलेंस नहीं, क्या बोलेंगे? ट्रायल बैलेंस. बैलेंस शीट सुनिए आप लोगों ने, बैलेंस शीट साल के एंड में बनती है बेटा. हम लोग 11th क्लास में जो बड़े बड़े क्वेश्चन किए थे वो ट्रेडिंग और पी एंड एल वाले, याद है? वो बड़े बड़े ट्रायल बैलेंस आती थी, फिर बहुत सारे ह्यूज एडजस्टमेंट आते थे, फिर आप क्या बनाते थे? पहले ट्रेडिंग, फिर आप क्या बनाते थे? पी एंड एल, और फिर क्या बनती थी बेटा? वो पल याद कीजिए जब आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाती थी, ऐसा गर्व सा फील होता था, मतलब बस हम ही हैं अकाउंटेंसी के आर्यभट्ट, हमसे आगे किसी को अकाउंटेंसी नहीं आ. लेकिन वो टाइम याद करो जो इतनी मेहनत करने के बाद बैलेंस शीट क्या नहीं करती, मैच नहीं, बुरा लगता है कि नहीं लगता है? फिर हम जैसे तैसे करके मैच लिख ही आते थे, ये सोच कर टीचर को तो क्या ही पता चलेगा.
कह रहे वो मजाक की बात है, बैलेंस शीट साल के एंड में सभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने के बाद बनती है कि नहीं बनती है? सोचिए बैलेंस शीट में क्या गलती है, ट्रेडिंग में, पीएनएल में क्या गलती है, अकाउंटेंसी में कहाँ गलती हुई। काश हमें टाइम से पता चल जाता तो हम इतना आगे बढ़ने से पहले ही एरर को रेक्टिफाई कर दिए होते कि नहीं कर दिए। तो ट्रायल बैलेंस एक टूल है। ट्रायल बैलेंस क्या है? टूल, एक साधन है बेटा आपके अकाउंटेंसी की अर्थमैटिकल एरर्स को जांचने का, इन्वेस्टिगेट करने का, वेदर द अकाउंट्स आर एरर फ्री और नॉट। बेटा बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन ट्रायल बैलेंस का मैच हो जाना इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस कभी भी नहीं है कि आपकी अकाउंटेंसी एरर फ्री है या फिर एरर फ्री नहीं है। देखा आपने, मैं डेबिट में किसको रिकॉर्ड करना चाहिए था मुझे, मोहन को, पर मैंने किसको डेबिट किया, तो लेजर में डेबिट बैलेंस 10,000 ही आ रहा होगा, चाहे सोहन में आओ चाहे मोहन में आओ, लेकिन ट्रायल बैलेंस तो मैच करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन फिर भी ट्रायल बैलेंस बना देने से जब हमारी ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट का टोटल क्या हो जाता है, आपस में मैच हो जाता है, ये हमारे मन में एक फील ऑफ रिलैक्सेशन देता है कि नहीं देता है कि हाँ यार अपन ने जो डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड किया है उसमें कोई अर्थमैटिकल एरर नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसलिए टाइम टू टाइम बेसिस पे क्या बनाई जाती है, ट्रायल बैलेंस बनाई जाती है। ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो हर 10 दिन के एंड में अपने लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाएगा, हर महीने भर के एंड में बनाएगा, या 3 महीने का, 6 महीने का, या साल भर का। वैसे तो डिपेंड करता है साइज में, बाकी हर बिजनेसमैन को 5-6 दिन के अंदर क्या बना लेनी चाहिए, हर दिन ट्रायल बैलेंस एक बार बना लेनी चाहिए। अगर ट्रायल बैलेंस का टोटल क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, आगे बढ़िए। नहीं हो रहा है तो क्या कीजिए, एरर्स को ढूंढने की कोशिश कीजिए और उनका रेक्टिफिकेशन कीजिए। ठीक है बेटा, तो हमारा अगला टॉपिक जो है उसका नाम है स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्या नाम होगा? स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ, लिखना शुरू करो एक लाइन छोड़कर, स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कितनी स्टेज पढ़ रखी है आपने 11th क्लास में? 2। चलो मैं बोलता हूँ, याद आ जाएगा आपको। स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में बोलूँ, नंबर 1 लिखिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। कुछ याद आया बेटे? मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले। नंबर 2 लिखे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ, बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। 2 स्टेज आ गए बेटा। 3 लिखिए, ये शायद आपने नहीं पढ़ा हुआ है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर After preparation of, rectification of error after preparation of final accounts. थोड़ा उधर हो तो, हाँ जी, कितनी स्टेज लिखी अपन लोगों ने? 3। पहली बोलो, rectification of error before preparation of trial balance. मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आपको अपनी एरर क्या हो गई, लोकेट हो गई, तो आप उसका रेक्टिफिकेशन ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले कर दोगे। दूसरी एरर की स्टेज कौन सी हुई? आप ट्रायल बैलेंस बनाए हो और फिर आपको पता चल रही है कि यहाँ पर तो एरर है, तो उसे कहते हैं आफ्टर ट्रायल बैलेंस, लेकिन अभी तक आपने क्या नहीं बनाया, तो उसे कहते हैं बिफोर फाइनल अकाउंट्स। 3 होता है बेटे, आपने फाइनल अकाउंट्स बना लिए, किसी साल के फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट बन गई। अब आपको उसका एरर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में पता चल रहा है कि ये तो हमसे क्या हो गई थी, एरर्स हो गई। आप लोग सभी पार्टनरशिप पढ़े हो ना? आपको इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप का चैप्टर याद आ रहा होगा? आप एक एडजस्टमेंट टेबल बनाया करते थे, याद है? पास्ट एडजस्टमेंट बोलते,
मतलब पिछले साल में कुछ एरर्स थी या पिछले साल में कुछ अप्रोप्रिएशंस थे जिसको हम करना भूल गए थे, इनका हिसाब अपन करंट ईयर में करेंगे। तो आप एडजस्टमेंट टेबल बनाते थे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे कौन सी स्टेज में, थर्ड स्टेज में, जिसका नाम क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल। ठीक है, पहले थ्योरी लिखेंगे हर एक लेवल की। नंबर वन, रेक्टिफिकेशन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। नंबर वन, रेक्टिफिकेशन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसमें लिखो बेटे, इफ देयर इज सिंगल अकाउंट एरर, इफ देयर इज सिंगल अकाउंट एरर, देन टू रेक्टिफाई द एरर, टू रेक्टिफाई द एरर, दैट सिंगल अकाउंट, दैट सिंगल अकाउंट विल बी ओपन्ड, दैट सिंगल अकाउंट विल बी ओपन्ड एंड रेक्टिफिकेशन विल बी मेड एंड रेक्टिफिकेशन विल बी मेड इन अप्रोप्रिएट साइड। रेक्टिफिकेशन विल बी मेड इन अप्रोप्रिएट साइड, एस आई डी ई साइड। अकाउंट के दो साइड होती है, फर्स्ट वन इज, सेकेंड वन इज। तो या तो डेबिट में गड़बड़ी है तो डेबिट को ठीक करूंगा, क्रेडिट में गड़बड़ी है तो क्रेडिट को ठीक। बेटे बात समझ में आ गई आप? एक लाइन छोड़कर लिखो, इफ देयर इज टू अकाउंट एरर, इफ देयर इज अ टू अकाउंट एरर, देन प्रॉपर रेक्टिफिकेशन एंट्री, देन प्रॉपर रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी पास्ड टू रेक्टिफाई द एरर, टू रेक्टिफाई द एरर। हाँ जी साहब, पहली स्टेज का नाम बोलो क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, और दूसरा मैंने क्या बताया था, आफ्टर ट्रायल बैलेंस। अब पहले तो ये समझना बहुत मुश्किल काम हो जाता है कि बिफोर ट्रायल बैलेंस क्या होता है और आफ्टर क्या होता है, क्योंकि ये नहीं समझेंगे तो फिर रेक्टिफिकेशन का तरीका कैसे सीख पाएंगे। समझ गए, ध्यान से देखिएगा। टू बिजनेसमैन नेम ए एंड बी, ए ने और बी ने बिजनेस की बुक्स के लिए बहुत सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए होंगे अपने बुक्स में, तो जर्नल के बाद क्या बनी होगी, लेजर, और लेजर से क्या बनती है, ट्रायल बैलेंस। ओके बेटा, ए की बुक्स में बहुत सारे लेजर अकाउंट्स हो रखे होंगे बेटा, ट्रायल बैलेंस क्या है, समरी ऑफ लेजर अकाउंट्स। एक बार बोलो हाँ सर, क्या है ट्रायल बैलेंस, जितने भी लेजर अकाउंट्स आपने ओपन कर रखे हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल, उन सभी का बैलेंस आप डेबिट में डालते हो, क्रेडिट में डालते हो, डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल से मैच होना चाहिए बेटा। चलिए, पहला बिजनेसमैन कौन, ए, दूसरा बिजनेसमैन कौन, बी। ए बी को हटाते हैं, कोई रियल नाम लेते हैं। दोस्त तुम्हारा नाम बोलो, तनुज, ये है तनुज। पड़ोसी आयुष, ए वाई यू एस एच या डबल ए वाई यू एस एच, हाँ जी ये हो गया आयुष। तनुज ने भी अपनी लेजर में बहुत सारे अकाउंट्स ओपन कर रखे हैं, आयुष ने भी अपनी लेजर में बहुत सारे अकाउंट ओपन कर रखे हैं। तनुज को भी लेजर के बाद क्या बनानी है, और आयुष को भी क्या बनानी है, ट्रायल बैलेंस। ओके, सीधी कमर, कमर सीधी एकदम, ये झुकनी चाहिए ही नहीं। तनुज ने एक पॉलिसी बनाई कि वो लेजर बनाने के बाद जब भी ट्रायल बैलेंस बनाने का काम करेगा तो सीधे ट्रायल बैलेंस नहीं बनाएगा, पहले वो क्या करेगा, इन लेजर्स को एक बार रीवेरीफाई करेगा, फिर से चेक करेगा
कि उसने जर्नल से लेजर में सही पोस्टिंग कर रखी है कि नहीं कर रही। किससे बनती है लेजर? जर्नल से। हर एक लेजर वो क्या कर रहा है बेटा? चेक कर रहा है। जैसे मान लीजिए ए अकाउंट डेबिट टू सेल, तो लेजर में ए का अकाउंट होगा कि नहीं होगा, सेल्स का अकाउंट होगा कि नहीं होगा, तो ए के डेबिट में सही फिगर आया है कि नहीं आया, सेल्स के क्रेडिट में सही फिगर आया है कि नहीं आया, वो सारी बातें चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बोलिए बोलिए। और फिर क्या बनाएगा? ट्रायल बैलेंस। बात समझ में आई? आयुष ने सिस्टम बना रखा है कि जी हम इतने माथा पच्ची नहीं करते, हमने क्या बना ली है? लेजर। जर्नल से क्या बनाई है? लेजर। अब लेजर से सीधे क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस। इसने बोला यार एक बार चेक तो कर ले कि तूने जर्नल से लेजर में सही पोस्टिंग करी है कि नहीं। इसने भी बहुत सही जवाब दिया। अगर ट्रायल बैलेंस मैच कर गई, इसका मतलब मैंने क्या कर रखी है? सही पोस्टिंग कर रखी। और अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रखी, इसका मतलब मैंने सही पोस्टिंग नहीं कर रखी। टेल मी यस ऑर नो। अब माय क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों में से किस बिजनेसमैन को ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही अपनी एरर का पता चल जाएगा? बात समझ में आई? और किसको ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ही पता चलेगा? पक्का पक्का, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाई और उससे पहले ही जर्नल और लेजर को चेक किया जा रहा है, इसका मतलब आप रेक्टिफिकेशन बिफोर ट्रायल बैलेंस कर रहे हो। ट्रायल बैलेंस बनाई और ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट के टोटल में डिफरेंस आ गया, बताइए, याद कीजिए, आप पढ़े 11th क्लास में, जब ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच नहीं करता तो उस डिफरेंस को कहाँ डाल दिया जाता है? पक्का? तो अब ये बात मैं कह सकता हूँ क्या कि जब आपको क्वेश्चन में लिख दिया जाए कि देयर वॉज अ ट्रायल बैलेंस मेड एंड एरर वॉज फाउंड, इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि आफ्टर ट्रायल प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस होगा। बोलो भैया। या साफ साफ कह दिया जाएगा यूजिंग सस्पेंस अकाउंट रेक्टिफाई द एरर्स। तो सस्पेंस कब खुला होगा? जब ट्रायल बैलेंस बनी होगी। तो इसका मतलब यूजिंग सस्पेंस अकाउंट, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद रहे। बात समझ में आ रही है? लेकिन मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन आया, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, केवल क्या लिखा आया? फिर आपको 5-6 एरर्स दे दी गई, कुछ लिखा हुआ नहीं है कि एरर्स आफ्टर ट्रायल बैलेंस है, या सस्पेंस अकाउंट में इतना डिफरेंस था, या यूजिंग सस्पेंस अकाउंट, क्या मानेंगे? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। कुछ समझे क्या मैंने क्या कहा? सिंपल लाइन लिखी हुई, क्या लिखी हुई है? रेक्टिफाई द एरर। ये नहीं लिखा हुआ देयर वाज अ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, द सस्पेंस अकाउंट वाज शोइंग द सच सच फिगर, कुछ नहीं लिखा हुआ, केवल बोल रहा है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। इसका मतलब ये मान के चलेंगे कि ये कौन से बिजनेसमैन की रेक्टिफाई हो रही है? आयुष तनुज वाले, क्योंकि इसने ही क्या डिसीजन लिया था कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही वो क्या कर लेगा? अपने एरर्स को आइडेंटिफाई करेगा, और कोई एरर आएगी तो उसे रेक्टिफाई कर देगा। ओके बेटा, इसमें देखो आपके दो पॉइंट लिखवाए हैं क्या? पहला पॉइंट बोलो क्या लिखवाया है? इफ देयर इज अ सिंगल अकाउंट एरर, तो जिस अकाउंट में क्या है बेटा? एरर है, पूरा पढ़ लो एक बार। देन That single account will be opened and rectification will be made in appropriate side. Okay? जैसे example मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने कहा था कि मैंने rent कितना pay किया था? 5,000. Example दिया था ना, दोबारा बोलता हूँ, rent paid rupees 5,000 was posted to rent account as rupees 500. फिर बोलता हूँ, rent paid rupees कितना? जैसे ही मैंने बोला rent paid rupees 5,000, दो अकाउंट इफेक्ट होंगे कि नहीं होंगे? देखो यहाँ से रेक्टिफिकेशन शुरू हो गया है तुम्हारा, मतलब समझ लो मैं यहीं से पढ़ाना शुरू कर दिया हूँ। रेंट डेबिट होगा और कैश पक्का। मैं बोलता हूँ रेंट पेड 5,000, चुप हो जाता हूँ, तो आप दिमाग में लगाओगे कि एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000, 5,000। एम आई क्लियर? मैं बोलता हूँ रेंट पेड रुपी 5,000 वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ रेंट अकाउंट रुपीज 500, तो मैं किस एरर के बारे में बात कर रहा हूँ? रेंट अकाउंट के बारे में बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? मैं किस अकाउंट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ? इसका मतलब कैश तो अपनी जगह बिल्कुल सही था कि नहीं था? बेटा इसके पेट में दर्द है, इसके पेट में दर्द नहीं है, बताइए, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे इलाज किसका करना चाहिए, तनुज का कि आयुष का? नहीं जी, इंजेक्शन लगाना है किसी के, घुसेड़ दो। बात समझ में आ रही है क्या? जिस एरर, जिस अकाउंट में दिक्कत है, रेक्टिफिकेशन उसी का होगा कि नहीं होगा? मतलब जब मैं इस एरर का रेक्टिफिकेशन करने जाऊंगा, मुझे कैश अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करने की जरूरत है क्या? क्यों? क्योंकि आपने बोला वॉज डेबिटेड टू रेंट अकाउंट एज रुपीज 500, आपने कैश के बारे में कुछ भी नहीं बोला। मेरे बात समझ में आ गई? अच्छा, ये रेंट अकाउंट एक सिंगल अकाउंट एरर हो रही है, पक्का? अब मैं क्या करूँगा,
लेजर में रेंट अकाउंट ओपन करूंगा। कर दिया मैंने ओपन। अब रेटिफिकेशन का काम चल रहा है। क्या मैंने आपको ये कहा कि रेटिफिकेशन डेबिट साइड में ही होगा? मैंने कहा क्या कॉपी में आपको? अप्रोप्रिएट साइड बोला कि नहीं बोला? अच्छा, रेंट डेबिट कितने से करना चाहिए था? मैंने कितने से किया? 500। कितना रुपए कम डेबिट किया? ऐसा क्या करूं कि अरे ठीक हो जाए? आप बोल रहे हो रेंट को 4500 से और क्रेडिट कर दो सर। डेबिट करूं क्या? Yes, तो आपके लिए इस क्वेश्चन में अप्रोप्रिएट साइड डेबिट हुई क्या? Yes, इनको जगाओ यार। मैडम क्या हुआ? नहीं ऐसे मत कर, सर को भगा दे, बोलो सर दर्द को भगा दे। माने ही मत कि सर दर्द हो रहा है तेरे, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दे, देख मजा आ जाएगा तेरे को। देख इधर देख, रेंट डेबिट कितने से होना चाहिए था? 5000। कितने से होना चाहिए था? 5000, और हुआ केवल कितने से? 500 से। कितना डेबिट मैंने कम किया? और डेबिट कर दो 4500। अब लिखूंगा क्या? अरे कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। मैं जब ये कह रहा हूं कि ट्रायल बैलेंस बनी ही नहीं है तो सस्पेंस कहां से आया बीच में? नहीं आएगा ना सस्पेंस? कब आता है सस्पेंस? जब ट्रायल बैलेंस बनी हो और दोनों में डिफरेंस आया हो। मैं तो कह रहा हूँ ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं मैंने, मैं तो चेक कर रहा था कि रेंट मैंने कितने का पे किया? 5000। कैश के क्रेडिट में कितना दिख गया? अब मैं मन में सोच रहा हूँ रेंट के डेबिट में भी कितना दिखना चाहिए, लेकिन दिख कितना रहा है? ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही एरर का पता चल गया कि अब मुझे रेटिफिकेशन किस अकाउंट का करना है? आपने बोला इस अकाउंट को रीओपन करो और इसमें डेबिट कितना कर दो? 4000। अब कोई पूछेगा कि तूने इसे डेबिट क्यों किया, तो कुछ तो बोलोगे ना बेटा। टू एरर इन पोस्टिंग। क्या बोलेंगे? एरर इन पोस्टिंग। पोस्टिंग कितने से होनी चाहिए थी? आपने केवल कितने से करी? 500 से। तो पोस्टिंग में एरर हो गई कि नहीं हो? अच्छा, आपके लेजर में दो अकाउंट ओपन हुए होंगे पहले। एक तो एक रेंट पहले से डेबिट कितना था, अभी और डेबिट कितना हो गया? क्या डेबिट में रेंट 5000 आ गया क्या? पहले से क्रेडिट में कितना था कैश? क्या आपको कहीं और कैश क्रेडिट होता दिख रहा है? तो पुराना 500 नया 4500 हो गया 5000। कैश ऑलरेडी क्रेडिट है 5000, चाहिए तुम्हें क्या था? रेंट डेबिट टू कैश 5000। अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिस इज द रेक्टिफिकेशन। नाउ पॉइंट इज, आपने अकाउंट ही क्यों ओपन किया, एंट्री क्यों नहीं बनाई? आ सकती है ना बात? नीचे देखना आपने क्या लिखा हुआ है। When there is a two account error, then proper rectification entry will be hard. बेटा entry का मतलब एक account debit, एक account credit. मैं कह रहा हूँ cash account तो सही है, तो फिर error single account में भी कि double account में भी? तो मुझे ठीक भी single account को ही करना है ना, तो मैं entry बना ही नहीं सकता। एंट्री बनाने के लिए एक डेबिट के अगेंस्ट क्या चाहिए और क्रेडिट के अगेंस्ट क्या चाहिए? जब एरर क्रेडिट में है ही नहीं तो मैं क्यों क्रेडिट किसी अकाउंट को करूंगा? मैं इसलिए अकाउंट बनाकर ही टू एरर इन पोस्टिंग करके काम फिनिश कर दूंगा कि नहीं करूंगा? बड़े बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट में आपने लिखा है कि जब टू अकाउंट एरर हो जाती है तो अपन उनका रेटिफिकेशन करने के लिए, मैंने यहाँ नहीं लिखवा है कि अकाउंट ओपन होगा, मैंने यहाँ लिखवा है कि प्रॉपर एंट्री पास होगी। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर परचेज्ड, क्या बोला आपको मैं? ऑफ रुपीज 5000 रॉन्गली रिकॉर्डेड एज ऑर्डिनरी परचेज, रॉन्गली रिकॉर्डेड एज ऑर्डिनरी परचेज। तनुज से मैंने फर्नीचर खरीदा 5000 रुपए का, जिसकी मैंने ऑर्डिनरी परचेज मानकर एंट्री कर दी। अरे भागो मत, कंक्लूजन में मत जाओ, दिमाग दौड़ाओ। आपने खरीदा क्या? तो आपकी लेजर में पहला अकाउंट कौन सा आना चाहिए था? डेबिट होना चाहिए था क्या? कितने रुपीज से? दूसरा अकाउंट क्रेडिट कौन सा होना चाहिए था? तनुज, तनुज से खरीदा है उधार में, तो तनुज नाम का पर्सन क्रेडिट होना चाहिए था। बट मैंने इसे ऑर्डिनरी परचेज मानकर रिकॉर्ड कर लिया। मैंने ये मान लिया कि मैंने तनुज से फर्नीचर नहीं खरीदा, गुड्स खरीदा। तो लेजर में मैंने डेबिट क्या कर दिया होगा और क्रेडिट किसे किया होगा? तनुज। अच्छा, पहले भी क्रेडिट क्या होना चाहिए था, अभी भी क्या क्रेडिट हुआ? तनुज अकाउंट सही है कि नहीं? क्या मैं इसको रेटिफिकेशन में काम में लूंगा? दो अकाउंट में एरर हो गई क्या? व्हाट शुड हैव बीन डेबिटेड? जो नहीं हुआ, पहली एरर। विच अकाउंट वाज रॉन्गली डेबिटेड? दो अकाउंट एरर हो गई क्या? एंट्री बनाई जा सकती है ना? डेबिट होना चाहिए था फर्नीचर, लेट्स डेबिट फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज।
क्या आपको दोनों ही मीनिंग समझ में आ गए कि नहीं आ गए? जब सिंगल अकाउंट एरर होगी तो उस अकाउंट को ओपन करेंगे जिस अकाउंट में क्या हुई है एरर, और उसका रेक्टिफिकेशन एप्रोप्रिएट साइड में कर देंगे। लेकिन अगर टू अकाउंट एरर होगी तो एंट्री पास की जा सकती है, इसलिए रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाकर हम उस एरर को ठीक कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले बेटा, पक्का? डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी वॉज नॉट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन charged to machinery was not debited to depreciation account। अब दिमाग में एंट्री बनाओ यार, एंट्री मत बनाओ, दिमाग लगाओ। डेप्रिसिएशन चार्ज किया अपन ने, लेजर में दो जगह इफेक्ट आएगा क्या? yes, पहला अकाउंट depreciation, यार ये डेबिट होना चाहिए था, और दूसरा अकाउंट यार मशीन अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। अगर मैं कहूँ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी वॉज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, वॉज नॉट, तो ना डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ ना डेप्रिसिएशन, दो अकाउंट एरर हो गई क्या? yes, एंट्री बन सकती है क्या? yes, फटाफट एंट्री बोलिए। एब्सोल्युटली करेक्ट, कॉन्फिडेंस आया बेटा? yes, लेकिन अब इसी एग्जांपल में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी वॉज नॉट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट इन द लेजर। तो लेजर में दो अकाउंट आने चाहिए थे, पहला, दूसरा। मैं किस अकाउंट में नहीं होने की बात कर रहा हूँ? क्या मैं बोल रहा हूँ मशीन अकाउंट वॉज करेक्टली पोस्टेड? अरे मैंने कहाँ बोला ऐसा? क्या मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्या कि मशीन अकाउंट वॉज करेक्टली पोस्टेड? मैं तो चुप हूँ ना, इसका मतलब मैंने मशीन के बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब मशीन अकाउंट बिल्कुल सही था कि नहीं था। तो गड़बड़ी किस अकाउंट में? नाउ टेल मी, दिस सिंगल अकाउंट और टू अकाउंट? ट्रायल बैलेंस बनी है क्या? नहीं बनी, तो मैं कौन सा अकाउंट ओपन कर? एक काम करो सर, डेबिट डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में डाल दो। सर आपने कहा था अकाउंट खोलो, आपने थोड़ी कहा था कि डेबिट में डालो क्रेडिट में डाल दो। तो अभी फिलहाल हमारा मूड है क्रेडिट में डाल देते हैं। अप्रोप्रिएट साइड, आपको डेबिट कितने से कर देना चाहिए? 5000 लिख दो, 500 लिख दो। ओमिशन इन पोस्टिंग, क्या हुआ? रीजन बताओ मेरा, क्या रीजन था? ओमिशन हुआ था ना बेटा, मुझे डेबिट करना चाहिए था 5000 से, पर मैं डेबिट करना भूल गया। एरर ऑफ ओमिशन हो गया कि नहीं हो गया बताइए? एंट्री क्यों नहीं बन सकी? एंट्री बनाने के लिए दो अकाउंट चाहिए, ये तो अकाउंट ही एरर कौन सा था? इधर एंट्री क्यों बन सकी? क्योंकि दो अकाउंट में एरर थी, ना डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ ना मशीनरी क्रेडिट हुआ। एम आई क्लियर बेटे? गुड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने डेफिनेटली ये दो शब्द 50 बार सुने होंगे इस चैप्टर में, ओवरकास्टेड। तो एरर दो तरह की, कास्टिंग एरर, पोस्टिंग एरर। बोलिए पहला, कास्टिंग एरर का मतलब होता है जब किसी बुक का टोटल या तो कम लग जाए या फिर ज़्यादा, तो उसे कास्टिंग एरर कहते हैं। तभी देखो ना आपने क्या बोला, अंडर कास्टेड, ओवर कास्टेड। फिर से बोलिए, इलेवेंथ क्लास में आपने सब्सिडरी बुक पढ़ी थी? yes, sir. सेल्स बुक याद आया कुछ? yes, अब मैं पूरा फॉर्मेट तो नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको पार्टीज का नाम बताता हूँ। मैंने ए को जो जो माल बेचा उसका डिस्क्रिप्शन लिखा और टोटल लगा दिया 5092, ठीक है बेटा। मैंने बी को जो भी माल बेचा उसका डिस्क्रिप्शन आ गया 3081, ओके। सी को जो मैंने माल बेचा उसका डिस्क्रिप्शन आ गया 2482, ठीक है। गिव मी द टोटल ऑफ सेल्स बुक, दस हजार छह सौ पचपन। सही लिखा क्या मैंने? अरे देखो ध्यान से देखो, सही लिखा है 10655 लिखा है कि नहीं लिखा है? अच्छा कितना लिख दिया? 10005। ओहो मैंने फिगर रूप आगे पीछे कर दिया, लिखने में कहीं मुझसे गलत। अच्छा आना कितना चाहिए था और आया कितना? 10005। ये 10655 से कम है कि ज़्यादा है? पक्का? मैंने अंडरकास्ट किया कि ओवरकास्ट? ऑल क्लियर? अब आप क्या मुझे दिमाग लगा के बता सकते हो कि यहाँ पे एरर सिंगल अकाउंट एरर है कि टू अकाउंट एरर है?
अगर कॉन्फिडेंसली आप लोग मुझे बोलोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा. कॉन्फिडेंटली सिंगल बताओ कौन से अकाउंट में एरर है? सेल्स अकाउंट में. ए में, बी में, सी में नहीं है? एब्सोल्यूटली करेक्ट. क्योंकि जब मैं सेल्स बुक से क्या बनाऊंगा? लेजर. क्या बनाऊंगा? अच्छा बताइए, आपके सामने सेल्स बुक दिख रही है ना? एक बार में सही जवाब दीजिएगा, एक ही बार में. नो सेकेंड चांस विल बी देयर. इस सेल्स बुक से लेजर में कितने अकाउंट इफेक्ट होंगे? ना लाइक वो चार. ए बी सी सेल्स. मैं क्वेश्चन ऐसे पूछूंगा जहां पे आप गलती करोगे, तभी तो सीखोगे ना आगे. इस सेल्स बुक से कितने अकाउंट आएंगे? ए बी सी. सेल्स कहाँ लाओगे भाई? सेल्स बतानी पड़ेगी ना. एंट्री बोलो. ए टू सेल्स, बी टू सेल्स, सी टू सेल्स. सेल्स आ रहा है कि नहीं यार? नाउ अब है ए के अकाउंट में कितना लिखोगे? 5092. बी के अकाउंट में 3081. सी के अकाउंट में 2482. और कौन सा अकाउंट? सेल्स में लिखेंगे बाय टोटल एज पर सेल्स बुक. बोलिए जरा, बाय टोटल एज पर सेल्स बुक. टोटल मैंने कितना लिखवाया है? तो मेरे सेल्स में 10,565 ही जाएगा कि नहीं जाएगा? नाउ लिसन, लेजर पोस्टिंग हो चुकी है. अब मेरा अगला स्टेप क्या था? ट्रायल बैलेंस. पर मैं रुका, मैंने कहा नहीं नहीं ट्रायल बना लेंगे, पहले क्या कर लो, एक बार चेक कर लो लेजर को, चेक कर लो जर्नल से. सब्सिडी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जर्नल ना. ओके पहला अकाउंट बोलो. करेक्ट, बिल्कुल सही है. इसका टोटल लगाया पोस्टिंग भी बिल्कुल सही हो गए. इसका टोटल लगाया पोस्टिंग बिल्कुल सही. इसका टोटल लगाओ 10,565. एरर पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पकड़ा गया क्या? सिंगल अकाउंट एरर की टू अकाउंट है? अरे एबीसी सही है. कौन सा अकाउंट एरर है? से. चलो लेजर में सेल्स अकाउंट दोबारा खोल लिया जाए. होना कितने से क्रेडिट चाहिए था? 10,655. हुआ 10,565. डिफरेंस बताओ देखें, 90 रुपये आपने कम क्रेडिट किया हुआ है. सही बोला क्या आपको मैं? अब डेबिट करूं कि क्रेडिट? ये लो मैंने क्रेडिट तो कर दिया, लिखूं क्या? ये तो आपने पढ़ा था 11th class में, बाय अंडर कास्टेड नाउ रेक्टिफाइड पढ़े होंगे आप लोग. आपने 90 रुपये से क्रेडिट, इसलिए क्या कोई पूछेगा कि अपने सेल्स में 90 रुपये कहाँ लिख रहे? कहीं कहीं पूरे सेल्स बुक में तो 90 कहीं दिखी नहीं रही है. पर तूने सेल्स को 90 रुपये से क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि आपने पर्टिकुलर्स में क्या लिखा होगा? बाय अंडर कास्टेड नाउ रेक्टिफाइड. कितना रुपीज? 90. पहले से सेल्स अकाउंट कितने से क्रेडिट था? अभी अभी सेल्स अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ? 10,655 से. हो गया कि नहीं हो गया? क्या आपको पूरी बात समझ में आ गई बेटा? अगर मैं इसका टोटल 755 लिख देता तो कौन सी एरर हो जाती? कम लिखा तो अंडर कास्टिंग, ज़्यादा लिखा तो. ये तो थी कास्टिंग एरर. अब है पोस्टिंग एरर. कौन सी एरर? 10,655. टोटल सही किया कि नहीं किया? लेकिन अब मैं पोस्टिंग कितने से कर दूं? कास्टिंग एरर है कि पोस्टिंग एरर? टोटल तो सही लगाया लेकिन लेजर में पोस्ट करते टाइम आपसे क्या हो गई? गलती हो. अच्छा मुझे कितना ही लिखना चाहिए था? 10,655 ही लिखना चाहिए था और मैंने लिख भी दिया. क्या कहीं एरर है? बिल्कुल सही है. लेकिन मैंने यहाँ पे कितना कर दिया? 3801. जर्नल से लेजर में क्या हो रही थी? पोस्टिंग. क्या पोस्टिंग सही हुई है? 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 एरर इन पोस्टिंग हो गई कि नहीं हो गई? कास्टिंग मतलब सेल्स बुक का टोटल, परचेज बुक का टोटल, परचेज रिटर्न बुक का टोटल, सेल्स रिटर्न बुक का टोटल. जो बुक्स आपने बनाई है उनका टोटल अगर गलत लगता है तो उसे कास्टिंग एरर कहते हैं. क्या कहते हैं उसे? या तो उनका टोटल ज़्यादा लगेगा तो क्या बोलते हैं? ओवर कास्ट. या उनका टोटल तो उसे कहते हैं अंडर कास्ट. बात समझ में आई? और इन बुक से जब लेजर में क्या करते हैं उस समय कोई एरर हो जाए तो उसे क्या नाम देते हैं? पोस्ट. बात समझ में आ गई? आज के लेक्चर में हमने सीखा कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. हेलो मत सीधे बैठे रहो.
बिफोर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बिफोर ट्रायल बैलेंस कैसे होता है कि ट्रायल बैलेंस नहीं बनी इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं किया गया, तो फिर हमको रेक्टिफिकेशन करना है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि सिंगल अकाउंट एरर है कि डबल। अगर सिंगल अकाउंट एरर है तो क्या कोई एंट्री बन सकती है? तो जिस अकाउंट में एरर है उस अकाउंट को ओपन करेंगे, अप्रोप्रिएट साइड में उसका रेक्टिफिकेशन कर देंगे। एम आई क्लियर बेटा? लेकिन अगर डबल अकाउंट एरर है तब एंट्री बनानी पड़ेगी, तो फिर क्या करना पड़ेगा? उसका रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाकर करना ही पड़ेगा। बेटा बात समझ में आ गई? ऑल क्लियर? दैट्स ऑल फॉर द डे। आप में से अनुराग कौन है बेटा? अनुराग शर्मा। तो क्वेश्चन तूने उसमें देखा नहीं क्या? तो नालायक, किसी भी कारण से कोई बच्चा अगर क्लास अटेंड नहीं कर पाता है बेटा, तो आपको रिकॉर्डिंग देखनी है, ध्यान रखिएगा। कोई बात नहीं, मैं एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ। अगर आप में से कोई बच्चा किसी भी दिन क्या हो जाता है बेटे, एब्सेंट हो जाता है, तो उस लेक्चर की रिकॉर्डिंग ज़रूर देखिएगा। समझ गए क्या आप लोग? पक्का ना? और बेटे देखो, तबीयत ख़राब चलती रहती है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन लेक्चर के दौरान आपको हर संभव कोशिश करनी है कि लेक्चर आप क्या नहीं करेंगे, मिस नहीं करेंगे। समझ आ रही है आपको मेरी बात? बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं बोल देता हूँ, मुझे 2 दिन से पेट में थोड़ा इन्फेक्शन है, थोड़ा सा, इसलिए मैं कल ऑफ ले रहा हूँ और मुझे डॉक्टर को दिखा के आना है, ठीक है? बट फिर भी मैं 2 दिन से बराबर पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा? एक पल भी आपको लगा जिसमें बैठा था 2 मिनट आपने देखा अभी? तो मुझे उस समय थोड़ा पेन हो रहा था इसलिए मैं बैठ गया था, लेकिन मेरी टीचिंग में कहीं भी फ़र्क नहीं दिखाई दिया ना, क्योंकि मेरा काम है बेटा। आपका काम क्या है? पढ़ना। आपको हल्की सी भी नींद आ रही है, इसके ज़िम्मेदार आप हैं, सीधे बैठ जाइए, पानी पी लीजिए। आपको लगता है मुझे मुंह धो के आने की ज़रूरत है, मुझसे परमिशन लो, जाओ मुंह धो के वापस क्लास में आ जाओ। आपका हेडेक हो रहा है ना, तो हेडेक को होने दो, हेडेक का तो काम है हेडेक होना, हम रोकने से रुकेगा नहीं, समझ गए? इसलिए सारा ध्यान किस पे देंगे? पढ़ाई पे। और अगर आप किस दिन एबसेंट हो गए, दिस इज योर ड्यूटी, आपको क्या देखना है सेम डे आपको क्या देखनी है बेटे? रिकॉर्डिंग। विश्वास कीजिए, मैं जो वर्किंग नोट बनाता हूँ ना बेटा, उसके पीछे कारण, सबसे बड़ा कारण यह है कि जब कोर्स ख़त्म हो जाएगा ना, आपको इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किए थे, जो अभी बहुत इजी लग रहे हैं, आपको बहुत टिपिकल लगेंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग और वर्किंग नोट्स आपकी हेल्प इतनी हेल्प करेंगे, आपको लगेगा कि रोहित सर बाजू में खड़े होकर अकाउंटेंसी पढ़ा रहे हैं। सही बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को? अच्छा, जब पढ़ते हो आप लोग घर जाके, तो आपको मेरी या मैथ्स वाले सर की या इक्वल सर की शक्ल याद आती होगी ना, हाँ सर ने ऐसा ऐसा कथकली करके पढ़ाया था। समझ आ रही है मेरी? ठीक है बेटा,